भारतीय क्रिकेट के इतिहास में इस साल पहली बार महिलाओं का आईपीएल होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस समय पूरी तरह से तैयार है और कल 13 फरवरी को इस महिला आईपीएल में खेलने वाली खिलाड़ियों की नीलामी होने वाली है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कर दिया है। बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में इस महिला आईपीएल के नीलामी के विषय में पूरी जानकारी। उससे पहले यदि आप भी इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी दबा दे। इस साल के महिला आईपीएल में कुल 5 टीमें खेलेंगी और इन 5 टीमों में खेलने वाली खिलाड़ियों की नीलामी कल मुंबई में दोपहर 2:30 से होगा और इस नीलामी में कुल 90 खिलाड़ियों के ऊपर सभी 5 टीमों के मालिकों के द्वारा पैसों की बौछार होने वाली है और साथ ही में इस महिला आईपीएल में खेलने वाली प्रत्येक टीमों को 12-12 करोड़ रुपए इस नीलामी में खर्च करने का लिमिट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा दिया गया है और इस नीलामी में प्रत्येक टीमें अपनी अपनी टीमों में 15 से 18 खिलाड़ियों को खरीद सकती हैं, जिसमें अधिकतम 5 विदेशी खिलाड़ी हो सकती है। दोस्तों पहली बार होने जा रहे इस महिला आईपीएल के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।